संस्कृत भाषाया महत्व व हिंदी अनुवाद धनिया भारत पावनी देशयसती जनम पवनी भव्यदिनी शब्दसंदोह यस्य विदमाखिलेष्वी वांग सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न वर्तते इयम भाषा संस्कृत संस्कृतना लोके प्रतिता अस्ति, अस्ति अस्माकं रामायण महाभारता च ऐतिहासिकाग्रंथा तत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदः अष्टादशपुराणानि अन्यानि च महाकाव्यं नाट्यादिनि अस्मावेयभाषायाम् लिखितानि शान्ति इयमेव भाषा सर्वासा आर्यभाषाणाम जननी इति मन्यते भाषातत्वविदिम् සංස්ක්‍රතශ්‍යය ගරම බහු විදි්‍යාන ශරයත්තුවම් ව්‍යාපකත්වම් ජයන කස්්‍යාපී ෘෂ්ටේරව විසිය සංස්කෘතස්්‍යය ගාරෝමේහිව ද්‍රිෂ්ටි පතමානනී සුගම්ය ගුප්තු මාචාරය ප්‍රවේන දණඩිනා සංස්කෘතම් නාම දයිවී වංගදධ්‍යවයක්්‍යතා මහර්ෂිවි. संदर्भ प्रस्तुत गध्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है धन्य यह भारत देश जहाँ जनमानस को पावन करने वाली अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द समूह को जनने वाली देववाणी संस्कृत शोभायमान है विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है इसी भाषा में हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ वेद समस्त उपनिषद अठारह पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि लिखे गए हैं भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से ओझल नहीं है संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही लिखा है संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है संस्कृत से साहित्यम सुरसम व्याकरण तस्य तद्ये पद्य च लालित्यं भावबोधसामर्थ्यम् अद्वितं श्रुतमाधुर्यं वर्तते किं बहुना चरित्रनिर्माणार्थं यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृतवाङ्गयं ददाति ने तादृशीं मूलभूतानां मानवीयगुणानां यादृशी विवेचना संस्कृतसाहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी दयादानं शौचं औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चाने चुना चा गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलन अनुशीलमेन सजाएंत संदर्भपूर्वक अनुवाद संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भाव अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य का गुण विद्यमान है अधिक क्या कहा जाए संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसी कोई और नहीं करता संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्यत्र नहीं है इस साहित्य के अध्ययन से दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं संस्कृत साहित्य आदिक वाक महर्षव्यास कविकुगुर कालिद अने भारवीभूत महाकवस्वी ग्रंथरत् यद्यापि पाठकाना हदि विचारते इयं भाषा अस्मा मातृश्रम सम्मानी वंदनीया च यतो भारतमा तो भारत गौरव अखंड सांस्कृतिमेच संस्कृतिन सुरक्षि शेयर इं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनता श्रेष्ट तथा सुन भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या इति संदर्भ पूर्वत अनुवाद आज भी संस्कृत साहित्य के याद कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास तथा भास भारवी भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने ग्रंथ रचनों के कारण पाठकों के हृदय में विराज रहे हैं हमारे लिए यह भाषा माता के सदृश सम्माननीय तथा वंदनीय है क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता का सुरक्षित सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है अतः ठीक ही कहा गया है देवभाषा सभी भाषाओं में प्रधान मधुर एवं दिव्य है